छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से गुरुवार को भिलाई तीन थाने में पूछताछ की गई। पुलिस ने चैतन्य बघेल को भिलाई तीन थाने बुलाया था। यहां असिस्टेंट प्रोफेसर विनोद शर्मा पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पूछताछ की गई। जानकारी के अनुसार बंद कमरे में चैतन्य बघेल से सीएसपी और थाना प्रभारी ने कड़ी पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया। पूछताछ के दौरान चारों तरफ से थाने में बैरिगेटिंग कर किसी को थाने के अंदर आने का इजाजत नहीं थी। कल रात को 8 बजे पुलिस वालों द्वारा बयान लेने बयान दर्ज कराने के लिए मुझे बुलाया गया था, उसी संबंध में बयान दर्ज कराया। अभी तो विवेचना चल रहा है, बाकी वो पुलिस वाले बताएंगे। मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि कल पुलिस वालों ने भिलाई तीन पदुम नगर में चैतन्य बघेल जी को नोटिस देके यहाँ पूछताछ के लिए उन्होंने बुलाया था और चैतन्य बघेल जी स्वतः चलकर यहाँ आए और उनका सहयोग किए। ये क्या मामला है क्या नहीं मामला है भाई, मैं कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तो हूँ नहीं, ये तो पुलिस वाले बताएंगे। ये भाई आप पुलिस वालों से पूछेंगे क्यों बुलाए, यदि वो नहीं आते तो कल ये कहते कि हमारे बुलाए पे आया नहीं, हमको सहयोग नहीं किया, तो उन्होंने सहयोग करने आया था भाई, बुलाया नोटिस मिला आ गए जवाब देने। आप लोग सब समझदार है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है किस तरह से काम कर रही है, या आप सब देख रहे हैं देवेंद्र यादव जी आज जेल में हैं, क्यों जेल में हैं, सारे कांग्रेसियों के ऊपर FIR दर्ज हो किया जाता है, तो ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है बदलापुर की राजनीति पूरे छत्तीसगढ़ में चल रही है और लगातार न केवल कांग्रेसियों को परेशान करने का काम, छत्तीसगढ़ की आम जनता को भी परेशान करने का काम कर रही है। क्या बयान दर्ज किया गया? थाना पुरानी भिलाई का एक जो केस है 278/24 जो क्राइम नंबर है, उसमें उस संबंध में भूपेश बघेल के सुपुत्र श्री चैतन्य बघेल को कल हमने नोटिस दिया था और इसमें इस प्रकरण में पूरे प्रकरण में उनकी संलिप्तता और फरारी में भूमिका और साथ ही साथ टेक्निकल एविडेंस के लिए मोबाइल चेक करने और मोबाइल को विधिवत जब्त करने के उद्देश्य से उनको बुलाया गया। किस तरह की भूमिका पाई गई? देखिए प्राइमर फेसी अभी उनसे बयान लिया गया है और बयान के आधार पर हम उसमें आगे की विवेचना रखेंगे। उसके बाद इनकी तरफ से जो मोबाइल जब्त की गई है उसकी हम फॉरेंसिक जांच के लिए साइबर लैब में भेजने वाले हैं। जुलाई का मामला है, इतने जो आरोपी हैं पकड़े गए, क्या उनसे CDR मिलाने पे क्या चैतन्य बघेल ने उनसे कॉलिंग में बात? देखिए अभी ये जांच का विषय है, इस विषय में हम अभी किस तरह के सवाल पूछे गए हैं उनका आरोपियों के साथ जो संबंध है उसके बारे में पूछा गया है और किस प्रकार से संबंध था, इससे पूर्व भी घटना के पूर्व भी उनका संबंध किस प्रकार के था, या तो उनका एक राजनीतिक संबंध था कि पॉलिटिकल संबंध था या फिर उनका कोई आर्थिक संबंध था, उस आधार पर उनके बीच में जो बातचीत होती थी उसको हम स्टैब्लिश करने के लिए या पूछने के लिए उनको बुलाया। उन्होंने अपना जवाब दिया है और बाकी जो है जांच का विषय है और हम जो है स्टेटमेंट को हम यहाँ पर देखिए इस बारे में तो आप तफ्तीश और विवेचना के बाद ही हम उसको बता पाएंगे। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए अभी तक? टोटल 5 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। अभी हाल ही में एक अन्य आरोपी को भी मुंबई से गिरफ्तार करके लाया गया है, 5वां आरोपी। मुख्य आरोपी क्या गिरफ्तार हुआ इसमें? मुख्य आरोपी इसमें प्रमुख 3 आरोपी हैं, जो प्रमुख 3 आरोपी जो फरार हैं वो अभी गिरफ्तार नहीं हुए। ये आरोपियों के पूछताछ के आधार पर इनको बुलाया गया था, पूछताछ के लिए कि टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर बुलाया गया था? हमने पूछताछ के आधार पर इनको बुलाया है और जिस आधार पर उन्होंने अपना बयान दिया है। अभी और आगे कितने बार बुलाने के चांस है कि लास्ट है, क्या है लग रहा है? देखिए जैसा सिचुएशन रहेगा, परिस्थिति रहेगी और जो विवेचना की मांग रहेगी उस अनुसार। नियमित कोसरे का आरोप है कि पुलिस ना राज्य शासन के दबाव में काम कर रही है और उनकी कोई संलिप्तता नहीं है, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए संलिप्तता की जो जांच है वो विवेचना के उपरांत क्लियर हो जाएगी और चूंकि जो बिट्टू बघेल हैं, चैतन्य बघेल हैं, वो उनके करीबी संबंध में ये प्रवीण शर्मा जो हैं आरोपी हैं, जो वो आते थे और इस संबंध में उनसे पूछताछ करनी थी, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि हर मामले में या फिर उनके घर के हर आयोजन में वो जो व्यक्ति हैं आरोपी प्रवीण शर्मा उनके साथ दिखाई दिया करते थे। पूछताछ की बात है, क्या पूछताछ की गई है क्या? जी हाँ, इस संबंध में उनसे भी पूछताछ की गई है कि वो घटनाक्रम में उनका हम लोगों ने उनका मंतव्य जानने का प्रयास किया है और उसका उनका स्टेटमेंट लिया गया है। कुल कितने आरोपी इस पूरे मामले में अभी तक? कुल मिलाकर के इस मामले में 9 आरोपी हैं जिसमें से 5
की गिरफ्तारी हो गई है, चार की गिरफ्तारी शेष है।